मामला था? कल ये लगभग 8:30 बजे के समथिंग महेंद्रगढ़ शहर के अंदर एक 8 साल की मासूम बच्ची थी, उसके साथ कुछ बाहरी बिहार के जो रहने वाले थे किराए पे, उन्होंने उसके साथ दुराचार किया और इसकी पुष्टि गवर्नमेंट हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ में ले जाकर जब बच्ची की जांच कराई गई तो उसमें डॉक्टर शालिनी ने अपने बयान में कहा है कि वो उसके साथ कोई शारीरिक दुराचार हुआ है, तो उसके लिए उसकी हालत को देखते हुए उसे रोहतक PGI में रेफ़र कर दिया गया था और CI टीम तत्परता से उन्होंने अपना संज्ञान लेते हुए 2 बिहारी व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बाकी आगे और भी कोई इसमें अगर कोई शामिल था तो वो CI टीम बता पाएगी। FIR लॉन्च हो गया। क्या मांग करते हैं सर? हम शहर प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने भी महेंद्रगढ़ शहर में मकान मालिक जो किराए पर मकान देते हैं उनको उनकी ID वगैरह सारी अपने पास सबमिट करनी चाहिए और प्रशासन जैसे पुलिस महकमा वो इन ID को अपने पास भी सबमिट करे ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर अपराध ना कर सके। बताइए इस घटना पर क्या कहना? ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है। कल रात को लगभग 7:30 बजे ये घटना हुई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। 7:30 बजे ये 2 बिहारी व्यक्तियों ने एक बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ घिनौना कृत्य किया। मोहल्ले वासियों ने उस बिहारी को पकड़ के 112 नंबर पे कॉल किया और उसको पुलिस के हवाले किया गया और रात को इसकी महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल में इसकी पुष्टि भी हुई कि बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई। उसके बाद हायर सेंटर PGI रोहतक में उसको रेफ़र कर दिया गया। आज सुबह बच्ची की दादी से मेरी बात हुई, उसको मैंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जल्दबाजी में जब मुझे पता लगा तो वो गिर गए, उसके सिर में भी, उसकी दादी के सिर में भी चोट आई। बच्ची की हालत अभी ठीक नहीं है। अभी हमने उनसे पता किया कि पुलिस स्टेशन में क्या कार्रवाई हुई, तो अभी आधे घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पता करेंगे कि क्या FIR लॉज हुई, क्या कार्रवाई हुई। लेकिन जिस बिल्डिंग के अंदर ये घटना हुई उस बिल्डिंग के अंदर पहले भी एक बच्ची आज से 6 महीने पहले भगा करके ले जाई गई और एक ही बिल्डिंग के अंदर इतने लोग रहना, 200-250 लोग रहना, ये बहुत गलत है। जिनकी कोई ID नहीं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं उनकी ID प्रूफ चेक करके और इनको इनकी ID चेक करें और बिना ID प्रूफ के किसी को भी मकान किराए पे ना दिया जाए। सरकार से फिर दोबारा मांग है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि बच्ची के साथ जो हुआ पुलिस में, प्रशासन से, मीडिया भी अपनी तरफ से मांग करे कि शहर में भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये छोटी कार्रवाई। घटना बहुत शर्मसार है। ये महेंद्रगढ़ एक पावन धरा है, यहाँ पे अनेकों मत भागवत कथा, शिव पुराण वगैरह इतने चलन होते हैं, और बाबा का श्याम का मंदिर सामने ही है और उसके बाद भी लोगों की जो मानसिकता है ना वो बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर है। उसमें कोई देखते नहीं कि बच्चा छोटा है बड़ा है, और बहुत प्रकरण भी होते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जितने भी ये जो बाहर के लोग रह रहे हैं, चाहे बिहार के रह रहे हों, चाहे UP के रह रहे हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, किसी की भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है कि वो लोग कौन है, वो हिंदू हैं कि और है, जैसे भी हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो बिल्कुल भी उनका आइडेंटिफाई नहीं है कि लोग कहाँ से आए हैं, क्या है, क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप ये कम से कम मेरी ये सरकार से और SP साहब से गुहार हैं और हरियाणा सरकार से गुहार है कि महेंद्रगढ़ में नहीं, समूचे प्रदेश के अंदर यहाँ पे आइडेंटिफाई क्लियर की जाए और उन लोगों की पहचान की जाए, वो क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, किस कारण से रह रहे हैं। इस घटना को लेकर समाज के लिए एक बहुत बुरा संदेश है
सभी परिवार में बहन बेटियां छोटी छोटी ये जो लोग यहां पे आके रह रहे हैं, प्रशासन से हमारी गुहार है कि इनको पूर्णतः वेरिफिकेशन किया जाए और जो मकान मालिक हैं इनका पूर्णतः रजिस्टर बना के इन बिहारियों को जो भी बाहर से आए हैं इनकी व्यवस्था बना के, इनकी कोई हमें जानकारी नहीं होती कि ये कहाँ का रहने वाला है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि छोटी कन्या नवरात्रों में जिसको हम माता का स्वरूप मानते हैं उनके साथ घिनौना अपराध, ये समाज के लिए भी बुरा संदेश है। एक और मांग है हमारी, जो पोस्को एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। पोस्को से और सख्त से सख्त और जल्द से जल्द। पोस्को एक्ट में ऐसे बताया जा रहा था कि पहले फांसी की सज़ा होनी थी, मतलब अब वो शायद नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं मतलब इनको कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग। आजीवन कारावास तो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम आजीवन कारावास इनको होनी चाहिए। मेरा प्रशासन से और मेरा कर्मियों से भी अनुरोध है कि जो मकान मालिक के विरुद्ध भी इस प्रकार की कार्रवाई हो, जो किराए रखते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उनका आइडेंटिफाई नहीं करवाते पुलिस से, तो पुलिस सर्वप्रथम दोनों के विरुद्ध, एक तो किराएदार रह रहा है रहने जा रहा है उसकी आइडेंटिटी नहीं है, दूसरा जो मालिक है उसको रख रहे हैं और जिसकी इन्फॉर्मेशन प्रशासन को नहीं देता है, उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के दुराचार व्यवहार आपराधिक घटनाएँ शहर में ना हो, आने वाले समय में ऐसा कार्य ना हो, हमारे समाज को इतनी हानि ना हो। ये मालिक इनकी वेरिफिकेशन करवाएं, सरकार से अनुरोध है हमारा, और जो ये काम हुआ है इन मुलजिमों को सख्त से सख्त कार्रवाई पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।